असलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार पंजाबियो। मैं अज मौजूद हाँ किला शहबरा दे गेट दे बाहर। तुसीं देख सकते हो कि मैं गेट दे मूहरे खड़ा। किला शहबरा एक तारीखी इतिहासिक थां है जिहड़ा कि सन 1606 विच मुगल बादशाह जहांगीर ने बनवाया सी। मुगल तुहानूं पता कि एक अयाश लोग सी जिन्हां लुट्टमार तो इलावा अपना यश तो इलावा कुछ नहीं किया। सो उन्हां एक हरण शिकार करन ते शहबरे आंदे सन लाहौरों। सो उन्हां अपने रहण वास्ते किला बनवाया ते एक इत्थे जिहड़े कि लागे हर मनार भी एक हरण की जाच उन्हें तमीर उत्थे तमीर कराई उहदी। सो मुगलों तो बाद एक किला जो 1817-1799 जे पंजाब जे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत कायम हुई। सो ये इस समय इतने रबेल सिंह डाकू के कब्जे से सी। सो शिवप्रिया ने शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह खत लिखा, बेनती की कि सानू रबेल सिंह डाकू को बचाया जाए। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाबी फोर्स भेजी तो रबेल सिंह डाकू ने इतों फड़ के फांसी दी। तो एक फिर किला भी पंजाब हुकूमत महाराजा रणजीत सिंह की पंजाब हुकूमत अंडर चला गया। सो 1799 लैके तो 1849 तक जब तक 1848 तक जब तक ब्रिटिश पंजाब से आ गए उन्हें पंजाब से कब्जा कर लिया। 1849 से महाराजा रणजीत सिंह होर की मौत हो गई। सो उस तो बाद किला चला गया अंग्रेज़ों के कोल। आंदने जी महाराजा रणजीत सिंह की सब तो छोटी बीवी सी महाराणी जिंद कौर, माता जिंद कौर, वो इस किले से रहे। और जो पंजाब 1849 अंग्रेज़ों के कब्जे से गया तो महाराणी जिंद कौर इस किले से 10 महीने कैद भी रहे। महाराजा दलीप सिंह भी इतने आते रहे, उदो 5 साल के सन। बाद उन्होंने पैरिस ले जाया गया। सो उस तो बाद एक किला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चला गया, अंग्रेज़ों को चला गया। और इतने अंग्रेज़ों ने सरकारी पहले गोरिया की रहायशगाह बनाई गई, बाद सरकारी दफ्तर से बदल दिया गया। सो सन 1922 जब शेखपुरा जिला का दर्जा दिता गया तो इतने जनाब डीसी का दफ्तर बनाया गया। और जिन्हें भी सरकार रहायशी सरकारी दफ्तर से इतने कामकाज करता, डीसी शेखपुरा का दफ्तर इतों ऑपरेट होंदा रहा। 1947 जब पार्टीशन हुई तो पाकिस्तान इंडिया वखरे हुए तो पंजाब टुटा। सो उदों भी इतने डीसी दफ्तर रहा। और 1947 के बाद 1960-65 तक भी इतने सरकारी दफ्तर के तौर पर वरते रहे। और पंजाब सैक्रटेट के कुछ दफ्तर इतने भी सन, जो कि साहिवाल डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन, दूजा डिवीजनों इतों ही ऑपरेट किया जाता है। ये बतौरे पंजाब सैक्रटेट भी वरते रहे। और 60-70 दहाके तक ये डीसी दफ्तर भी वरत्या जाता रहा। उस तो बाद फिर डीसी दफ्तर नवे बन गए और यदी हालत खस्ता तो खस्ता होती रही। पाकिस्तानी पंजाब सरकार ने इस तो कोई तवज्जो नहीं की। फिर 2005 आके यूनैसको के अंडर ये चला गया। और यूनैसको के फंड आते रहे, पर अफसोस की गल है कि वह फंड भी खाधे पीते जाते हैं, यदि कोई देखभाल नहीं हो रही। माड़े जे मिस्त्री ला देंगे ने तो कह देंगे जी कि काम हो गया, वरना कुछ नहीं हो रहा। पिछले जे कोई $2.5 लाख आए थे तो भी खा 4 बाले लगा के ना खा पी ले। सो ये साडा पंजाब का एक इतिहास, एक तारीख है, उन्हों जाया किया जा रहा है। सो हुकूमत मूहरे भी बेनती है कि इदा वधिया तरीके देखभाल की जाए, तो साडे पंजाब की सकावत जींदी रहे, जींदे वसदे रहो।